हेलो गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समोसा सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों। तो आप ये देखिए, हमारे पास फैब्रिक है और इसमें से हम 2.25 मीटर फैब्रिक लेंगे, जिसमें से हम कटिंग करके दिखाएंगे और देन सिल के दिखाएंगे। तो बने रहें। और इसकी जो लंबाई रखेंगे हम 33 इंच लंबी रखेंगे और इसकी हिप जो है 34 इंच है। तो 34 इंच के हिसाब से हम बेल्ट कट करेंगे और मोरी 12 रखेंगे। तो आप बने रहें, देखते रहें स्टेप बाई स्टेप। जैसे कि मेरे पास फैब्रिक है, आप ये देखें इधर से साफ है, सीधा है। तो हम इसमें से 2.25 मीटर लेंगे इस तरीके से। ये आप देखें 45 इंच ये हमने लिया है और इसी को हम डबल कर लेंगे इस तरीके से। हमने ये 2.25 मीटर लिया है और हमने इसलिए लिया है ताकि इसका स्क्वायर शेप इक्वल बने। अभी आप देखिए ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो हम इसमें 2.25 से थोड़ा सा और कम कर दे रहे हैं। इसको हम जो है इतना वापस कम कर दे रहे हैं। अब हमारा आप देखिए स्क्वायर शेप इक्वल बनेगा, क्योंकि जो भी हम ज़्यादा फैब्रिक ले रहे हैं वो हमारा वेस्ट हो रहा है। इसे आप ये देखिए, ये हमारा जो है स्क्वायर इक्वल आ रहा है। तो हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। इसको हम यहाँ से ऐसे करके कट कर लेंगे। आप देखिए हमने एक टुकड़ा साइड कर दिया है और जो हमारे पास फैब्रिक है सलवार के लिए, ये सीधी साइड हम अंदर कर रहे हैं और ये बाहर हम उल्टी साइड कर रहे हैं, ताकि निशान वगैरह जो भी पड़ेंगे उसे पीस खराब ना हो। तो ये जो हमारे पास फैब्रिक है, आप देखिए पास आ जाए, ये 2.10 है। तो इस कपड़े को हमने क्या करना है, इसे ओरेप में बिछा लेना है। जैसे आप देखिए हमारे पास जगह अच्छी है, इसको हम ऐसे फैलाएंगे इस तरीके से और इसको हम जो है ऐसे पूरा ओरेप कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से प्रॉपर ओरेप कर देंगे, इस तरीके से ओरेप कर देंगे। ये आप देखें हमने ओरेप कर दिया है। अब साइज के अकॉर्डिंग हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें, पूरी वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना करें। और जो भी क्वेरीज है तो आप प्लीज़, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें क्लियर कर देंगे। अब लंबाई जैसे 34 है, ऊपर हम 5 इंच की बेल्ट देंगे, तो 5 इंच हम हटा के लंबाई रखेंगे। जैसे मोहरी रखनी है 12 इंच, तो हम यहाँ पर 12 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे पहले, इस तरीके से 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। और का जो निशान है, मान लीजिए इसको हम ऐसे सीधा लगा के ऐसे, हमारी लेंथ 33 है, नीचे हम 1 इंच की पट्टी देंगे मोहरी में, तो हमने 1 इंच इधर निकाल दिया है इस तरीके से। और लंबाई रखनी है हमें 33 इंच, तो ऊपर ही आप देखिए हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है ये, तो हम यहीं पे निशान लगा लेंगे। और जो उधर जाएंगे, उधर हम इसको ऐसे सीधा ले जाएंगे यहाँ से, ताकि हमारा घेर अच्छा निकल के आए। इसको हम इसको ऐसे कर लेंगे इस तरीके से, इसको हम ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। इस तरीके से इससे ये होगा कि हमारे गुण ज़्यादा ही आएंगे। उसके बाद क्या करना है, इसका 3 इंच ऐसे सीधा निशान लगा लें, ऐसे ये हमारा 3 इंच सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 1-2 इंच अंदर निशान लगाना है ऐसे। और आसन की जो लंबाई है, साइज के अकॉर्डिंग हम 15 इंच रखने वाले हैं, तो 5 इंच निकाल के 15 तक हम एक निशान लगाएंगे ऐसे। और इसको हम एक ऐसे सीधा निशान देंगे इस तरीके से, और इसमें हम ऐसे पैंट की तरह ऐसे गुलाई दे देंगे और ये हमारा ऐसे सीधा कट जाएगा इस तरीके से, सीधा कट जाएगा। तो इसे अब हम कट कर लेते हैं और इसे कट करने के बाद फिर हम बेल्ट कट करके दिखाते हैं और फिर उसके बाद हम स्टिच करके दिखाते हैं। इसको हम ऐसे सीधा कट करेंगे, यहाँ तक सीधा हो जाएगा कट और ये हमारा आसन हो जाएगा।
तो ये हमारा कमर का पार्ट हो जाएगा, ये हमारी साइड हो जाएगी इस तरीके से। और इसमें जो प्लेट पड़ेंगे ये हमारे कुछ इस तरीके से ऐसे बाहर की ओर प्लेट पड़ेंगे, इस तरीके से ये सारे प्लेट इस तरीके से पड़ेंगे। तो आप देखिए हमारा ये कुछ लुक ऐसा ही तैयार होगा इस तरीके से, और ये साइज़ के अकॉर्डिंग पड़ेंगे, तो जो भी साइज़ है साइज़ के अकॉर्डिंग पड़ जाएंगे। तो हमारा ये मेन कट गया है, इसे मैं एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ जो हमारा लुक आना है। दूसरी साइड हमारी ये है, तो इस तरीके से हमारा घेर तैयार होगा इस तरीके से देखते हैं। और जो प्लेट डलेंगी प्लेट ऐसे बाहर की ओर डलेंगी इस तरीके से, ये मैं स्टिचिंग में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ये जो हमारी फॉल आएगी इस तरीके से आ जाएगी, इसी तरीके से इसके ऐसे प्लेट डलेंगे इस तरीके से, तो जो इसकी फॉल आएगी कुछ ऐसी आएगी। कुछ हिंट मिल रहा होगा, इसे हम हटा देते हैं और बेल्ट कट करके दिखाते हैं, फिर हम आपको स्टिच करके दिखाएंगे। ये हमारे पल्ले आगे पीछे के साइडों में, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हिप है, हिप हमारी 34 इंच है, तो 34 इंच में हम 8 इंच ऐड करेंगे। जो हमारी रेडी बेल्ट है 42 इंच चाहिए, क्योंकि जो हम रेडी करेंगे 8 इंच एक्स्ट्रा रेडी करेंगे। तो हम फैब्रिक देख लेते हैं कितना है हमारा, इसी में ही आ जाएगा ऑलमोस्ट, तो हम इसी में से बेल्ट कट कर ले रहे हैं। इसको हम ऐसे रखेंगे, पहले हम इसको पूरी सीधा कर लेंगे, इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो जैसे कि हमें 5 इंच की बेल्ट देनी है, तो 1/2 इंच नीचे मार्जिन लेंगे, 7 इंच का नेफा होगा, 1/2 इंच का वो ऊपर मोड़ने में मार्जिन होगा, तो हम इसको 7.5 इंच 2.5 इंच बढ़ा के ऐसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 7.5 इंच की बेल्ट कटिंग करेंगे, जिससे कि वो 5 इंच की रेडी आ जाएगी इस तरीके की हमारी। तो आप ये देख सकते हैं हमारी बेल्ट भी कट गई है और ये पल्ले भी कट गए हैं, तो हमारे पूरी लेयर कट गई। अराउंड आपका 2 मीटर हमने उसमें लिया और 25 सेंटीमीटर ये लिया है, 2.5 मीटर बहुत है। अब हम इसे कटिंग कर चुके हैं, इसको सिल के दिखाते हैं, तो चलते हैं मशीन के ऊपर। गैस ये देखिए हमारा एक पल्ला है, ये हमारा आसन है और ये मोहरी वाली साइड है और ये हमारी कमर साइड है। तो इसको हमने क्या करना है, जो ये साइड है इसको हमें पहले बस सिल लेना है। तो इसको हम ऐसे करके उल्टा करेंगे, ऐसे उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, ये हमारे पैर का ना सेंटर हो जाएगा, जो साइड का सेंटर होता है ये वो हो जाएगा। और इसको जो है हमने ऐसे इस तरीके से सिल लेना है, इस तरीके से सिल लेना है। और इसी तरीके से दूसरे पैर का भी सिल लेना है। अब आप देखें हमारा ये ऑल ओवर हो जाएगा, ये हमारे साइड का सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी बनेगी बॉक्स। अब हमें पहले ये आसन सिल लेना है, तो एक पल्ला ऐसा और दूसरे पल्लों को हम इसको ऐसे आपस में सिल लेंगे इस तरीके से। हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं, ऐसे खींच के एक सिलाई और लगा दें ताकि बैठने बैठने में सिलाई टूटे ना। दूसरी साइड में भी हम एक सिलाई लगा देंगे आसन में ताकि वो सिलाई टूटे ना। अभी हमारा 1/4 करीब 10.25 इंच आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे बाहर की ओर ऐसे प्लेट डालेंगे इस तरीके से। तो हम डालना स्टार्ट करते हैं, साढ़े 20 आ रहा था तो 10.25 चाहिए। ये हमारा 10.25 तैयार है, एक पल्ले का 1/4 हिस्सा तैयार है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में ऑपोजिट डालेंगे, तो जितनी चौड़ी हमने ये ली है उतनी चौड़ी हम इधर भी डालेंगे इक्वली इस तरीके से। अब यहाँ तक जो हमारी प्लेट पड़ी थी उधर की ओर पड़ी थी, अब हम इधर की ओर डालेंगे।
अभी कितनी पड़ गई प्लेट हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठवीं पढ़नी है। और आठवीं कितनी दूरी पे पढ़नी है ये आप देखें, थोड़ा सा पहले तो हम इसको ऐसे डालेंगे उतना ही, और थोड़ा सा हम पहले रोक लेंगे, थोड़ा सा पहले जैसे ये। अब आप देखें इधर की और इधर की प्लेट दोनों इक्वल चौड़ी हैं, पहले रुक रही हैं उतना। तो ये आप देखें हमारी एक तरफ की प्लेट पड़ चुकी है, ये आप देखें एक तरफ की प्लेट पड़ गई हैं, दोनों बाहर की ओर जा रही हैं। और एक बार अगर हम इसे बेल्ट को चेक करें तो हमारा जो बेल्ट आ रहा है 20.5 आना चाहिए, और हमने एक बार में डाला है, कितना आ रहा है 20.5 ही आ रहा है। तो हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी डालेंगे ताकि हमारे दोनों तरफ फॉल इक्वल आए। प्लेट पड़ चुकी हैं, साइड टू साइड हम ऐसे मैच करेंगे। ये आप देखें हमारे दोनों पल्ले बराबर आ रहे हैं, बहुत माइनर अंतर आया है बट इक्वल है। और साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि हमारा आसन ये है, ये देखिए, तो आसन भी इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक बार फिर इक्वल कर लेना है। तो आप ये देखें हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, और जो हमारी सलवार की लुक है कुछ ऐसी आ रही है। अब इसमें हम बेल्ट जोड़ेंगे, तो बेल्ट जोड़ने के लिए हम सेंटर से चलेंगे। हमें सेंटर ये मान के चलना है आगे का, और पीछे का सेंटर मान लीजिए हमारा ये है, तो हम इसमें एक चटका लगाएंगे ऐसे इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे जॉइंट से जॉइंट मैच करेंगे, ऐसे सिलना स्टार्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट जुड़ गई है, और मैं एक बार आपको सीधा करके दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए ये हमारी सलवार है, अभी हमें लास्टिक लगानी है और मोहरी बनानी है। तो आई होप आपको ये लुक पसंद आई होगी, बाकी का मैं आगे आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, बताना स्टार्ट कर दूंगा। गैस जब आप लास्टिक लगाते हैं, मान लीजिए हमारी लास्टिक है जो भी साइज है उसके हिसाब से आपने ले लिया, इसको आप लोग गलती क्या करते हैं ऐसे चढ़ा देते हैं तो ये चुभता है। आपने क्या करना है इसको बराबर रखना है, ऐसे ऐसे बराबर रखना है, और बराबर करके सिलना है, ये चढ़ाना नहीं है बराबर ही रखना है, और इस तरीके से आपको ज्वाइंट कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी ये लास्टिक ज्वाइंट भी हो जाएगी और ये मोटी भी नहीं होगी, क्योंकि आप ऊपर चढ़ाएंगे तो मोटी हो जाती है, वो बाद में ना चुभती है। मान लीजिए कोई बैठ के टाइम या लेट के टाइम वो लास्टिक चुभेगी। तो इस तरीके से आपने ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। ये आप देखें हमारा ज्वाइंट भी लग गया है और लेवल में भी आ रहा है। अब ये जैसे हमारे पास लास्टिक है, लास्टिक को हमें अंडरग्राउंड कर देना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि हमारे पास बेल्ट है, अब इस पीस को पहले हम सीधा करेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे तो हमें जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक गोल घूमती रहेगी। और स्टार्टिंग फ्रंट से करनी है या बैक से करनी है, किसी एक साइड से करनी है। जैसे यहाँ पे जॉइंट है इधर की ओर आ रहा है, तो हमने ऐसे प्लास्टिक रखनी है, और यहाँ पे भी जॉइंट आगे ही आना चाहिए, ये पीछे नहीं जाना चाहिए, और इस तरीके से हमें ऐसे ब्लॉक कर देना है। जो भी प्लास्टिक है उससे एक सूत बढ़ा के ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और इसे हमें जो है ऐसे ही अब कंटिन्यू सिलते रहना है। इसको हमने 1/2 इंच मोड़ना है,
और हाफ इंच मोड़ के ऐसे ऐसे सिलते हुए चले जाना है इस तरीके से। इसकी चौड़ाई आप इक्वल रखें नेफे की, ताकि जो है बनने के बाद लुक इक्वल है इस तरीके से। आप ये देखें हमारी ये फिनिशिंग है बैक साइड की और ये मेन साइड की है, सिलाई भी सीधी आ रही है। इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे, और जैसे अभी इलास्टिक छोटी पड़ रही तो हमें आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको हम पहले ये लास्ट सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से। फिनिशिंग का खास ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ में आप जो है फिनिशिंग में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसको हमने ऐसे खींच लेना है इस तरीके से खींच लेना है, क्योंकि इधर तो हमारा सिल चुका है, जिसे हमें ऐसे खींच के प्लास्टिक को निकाल लेंगे ताकि हमें इधर को सिलने के लिए स्पेस मिल जाए, और इसको हम वापस सिल देंगे इस तरीके से। ये जैसे हम एंड में आए हैं तो इसको हम ऐसे फाइनल इस तरीके से, ये आप देखें इस तरीके से हमारी पूरी इलास्टिक लग चुकी है सिलाई, और हमारे नेफे की फिनिशिंग भी क्लियर आई है। इसको हम ऐसे निकाल लेंगे और इसके धागे हमने पूरे साफ कर देने हैं इस तरीके से। तो आप देखें हमारी पूरी इलास्टिक सिल गई है। अब मैं इसे सेट करके दिखाता हूँ। ये हमारे इलास्टिक की सिलाई की फिनिशिंग है, आप ये देखें बिल्कुल इक्वल। और जब हमें इसे सेट करना होता है, इसको जो है आप ऐसे ऐसे खींच खींच के सेट कर दें, उससे क्या होगा चारों ओर इक्वल आएगा इस तरीके से सेट कर दें। अब आप देखें हमारे पूरे इलास्टिक आगे पीछे दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल इलास्टिक आई है। इसके बाद क्या करना है आपने, आप इसको एज इट इज़ उल्टा करना है ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे, और इस तरीके से खींच के वापस मशीन पे आना है, और हमें आगे से ही स्टार्ट करना है। तो हमारा जो जॉइंट है ये आगे की ओर है, जो हमारी फ्रंट साइड है ये है, तो हमें वापस मशीन पे आना है इस तरीके से। ये हमारा इलास्टिक सेट है, और इसको जो है इस तरीके से सिलाई चालू करनी है बीचों बीच में। या तो आप इसमें एक सिलाई लगाएं या आप दो लगाएं, तो मैं एक लगाने वाला हूँ। इसको हमने ऐसे चालू करना है, ऐसे खींचना है वापस और मशीन चला देंगे। ये आप देखें हमारे इलास्टिक की सिलाई लग गई है, और ये हमारे अंदर साइड की इलास्टिक की फिनिशिंग है। अभी इसमें हम ओवरलॉक करके सिलाई लगा देंगे। ये हमारे अंदर साइड की फिनिशिंग है आप देखिए, और अब हम इसे अगर सीधा करते हैं तो ये हमारे मेन साइड की फिनिशिंग है। आप देखें बिल्कुल इक्वल गैदर्स बैठे हैं इधर से भी और इधर से भी। इतना काम कर लेने के बाद ये हमारा फाइनल लुक है। अब हमें मोहरी पे पट्टी लगानी है, तो वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। एज हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं, अब हमें फाइनल करनी है मोहरी। तो मोहरी पे हमने ये देखिए हमने बेल्ट रोल से पेस्टिंग करा हुआ है ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी रहे और खड़ी भी रहे, ताकि ढीली ढाली ना रहे नीचे से मोहरी से। अब ये नीचे की मोहरी है, इसको हमने ऐसे वापस पट्टी लगा लेनी है। तो इसको हम उल्टी तरफ से सीधी तरफ पलट देंगे इस तरीके से, इसको हम सिल लेते हैं। ये हमने बढ़ती हुई लगाई है, और इसको हमने उल्टी तरफ से सीधी तरफ पलट लिया है इस तरीके से, और इसको हम ऐसे वापस ब्लॉक कर देंगे इस तरीके से। गाइस आप देख सकते हैं हमारी मोहरी भी बन गई है। अब आप इसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, आप प्लेन भी छोड़ सकते हैं, जो आप कंफर्ट हो वो कर सकते हैं। मैं इसे प्लेन छोड़ने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया। अब हम इसकी साइड लगा देंगे, तो
साइड लगाने के लिए हमें इसको ऐसे वापस पकड़ना है इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मोरी हमें रखनी है 12 इंच, तो हम 12 इंच के हिसाब से इसकी सिलाई लगा देंगे ऐसे। इसको हमें ऐसे सीधा रखना है, जितने में हमारा ये है इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे ऐसे, और उसके बाद हम ऐसे इसको ऐसे ले आएंगे इस शेप में, और इसको हम ऐसे सिल देंगे। मोरी में इससे मोरी से मैच कर लेना इस तरीके से। तो ये आप देखें हमने साइड लगा ली है, और इसके बाद हमने एक सिलाई और लगा लेनी है ताकि हमारा एक पक्का हो जाए। और ये सब चीज़ें हमें क्लियरली छांट देना है, जैसे कि आप देखें मोरी है इसको आप इक्वली छाट दे दोनों साइड से इस तरीके से, और इसके बाद एक सिलाई आप और लगा दें। तो हमारा पूरा पीस बनके तैयार हो गया है, मैं आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाता हूँ। बाय।